हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरोना रेंडर इंजन को। कोरोना रेंडर इंजन को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वन इज़ लाइटिंग, सेकंड वन इज़ मटेरियल्स, थर्ड वन इज़ एनिमेशन। अगर आप इन तीन टॉपिक के वीडियोस को पूरा पूरा देखते हैं तो आप कोरोना रेंडर्स को सीख जाओगे, कोरोना में रेंडर्स निकालना सीख जाओगे। इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। ये स्टार्ट टू एंड बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स है, तो अगर आपने पहले कभी वीरे या कोरोना को यूज़ नहीं भी किया है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आज पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास में एक मॉडल, इस मॉडल के अंदर में मैंने सारी लाइट्स को डिलीट मार दिया है। मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ अपने सीलिंग को हाइड करके। हम इस बेडरूम को लाइटिंग को सेट करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 3D मॉडलिंग आती है और आपको सिर्फ कोरोना रेंडर सीखना है, कोरोना में रेंडर्स निकालने सीखने हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी लाइटिंग नहीं है। मैं यहाँ से लाइटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे हमारे पास में कोई भी लाइटिंग नहीं है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से कैमरा लगा के मैं फिर से रेंडर कर देता हूँ। हम दबाएंगे शिफ्ट एंड क्यू, तो हम अब चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई भी लाइट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। छोटा मोटा जो भी लाइटिंग आपको सीलिंग में दिख रही है, ये सिर्फ एक कोरोना लाइट मटेरियल्स है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आप इजीली मटेरियल्स में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम वन बाय वन स्टार्ट टू एंड सारी लाइटिंग्स को सेट करेंगे। तो किसी भी सीन में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है किसी भी लाइटिंग को सेट करने का, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक सीन है, एक मॉडल है जिसमें आपने मॉडलिंग कर लिया है, कोई भी लाइटिंग सेट नहीं किया है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इसमें लाइट से यहाँ पे कोरोना में, कोरोना सन। अब हमको क्या करना है, जिधर की साइड से हमको सन को लगाना हो उस साइड से हम सन को लेके जाएंगे और जिधर हमको उसका टारगेट पॉइंट छोड़ना है वहाँ पे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बेड के सेंटर में हमारा टारगेट पॉइंट लगे। इसके बाद में जब हम उसको रिलीज करेंगे बटन को, तो यहाँ पे वो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। दैट्स इट फॉर नाउ। अभी हमको क्या करना है, हम इसका फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास में जो कोरोना सन है उसको हम जहाँ पे है उतना ही रखते हैं। और ये मैंने इतना ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 3D में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक इमेज लगा हुआ है जो कि विंडो के बाहर का है। एक काइंड ऑफ एक फिल्टर का काम भी करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर नहीं जाने देगा। तो हम सन लगाए, वो सन को हल्का सा ऊपर किया, अगर मैं इस सन को पोजीशन को यहाँ पे कर दूंगा तो लाइट बाहर जाएगी ही नहीं, बहुत ही रेयरली लाइट अंदर जाएगी और वो अंदर ब्राइट करेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर रहा हूँ, जहाँ पे था वहीं पे रहने देते हैं हम। और अंदर के साइड में अगर हम जाएँ तो हमारे पास में जो टारगेट था यहाँ से हम लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि कुछ और सिलेक्ट ना हो, तो हमने ये किया। अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा हमको अपने अंदाजे से ही देखना है कि हमारे यहाँ से एक विंडो के अंदर से हमारा सन जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे भी ठीक है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको आगे भी कर सकते हो या फिर जहाँ पे है वहीं पे रहने देते हैं। हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहने देते हैं और अभी देखते हैं कि हमारे सीन के अंदर में लाइटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हम सी प्रेस करते हैं, कैमरा व्यू में जाते हैं फर्स्ट कैमरा में, और यहाँ से हमारा पास में जो रेंडर का है, मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम इंटरेक्टिव रेंडर को स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मोस्टली लाइट हमारे पास में आ गया है। यहाँ से जो भी सेटिंग्स पहले से हुई हैं उन सभी को हम हटा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी हटा देते हैं और ये सब कुछ। तो फिलहाल अगर हम अपने सीन में देखेंगे तो सिर्फ सन को लगाने से ही हमारा पूरा एरिया जो है वो ब्राइट हो गया है। अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है कि जो सीलिंग से लाइट आ रही है उन सभी लाइट्स को निकालना है। यहाँ पे काफ़ी बर्न हो रहा है, इस बर्न को ठीक करना है और इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर को स्टार्ट करके रख सकते हैं ताकि हम जब चेंजेस करें तो वो यहाँ पे साथ के साथ में हमको दिखाई भी देता रहे। मैं जाता हूँ यहाँ पे और अभी हम जो हमने सन लगाया था, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा सन को लगाने के बाद में कि हम सन की इंटेंसिटी को सेट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटेंसिटी 1 हुआ पड़ा है जो कि ठीक नहीं है, 1 काफ़ी ज़्यादा है। हम इस 1 की जो वैल्यू है इसको 0.1 रख सकते हैं, या फिर हम अगर आप देखेंगे जैसे मैंने 0.1 रखा है वहाँ पे तो लाइट काफ़ी कम हो गई है। और उसके बाद में हमारे पास में जो साइज़ है सन का जो साइज़ है, इस साइज़ को हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, हम इसको 10 रख देते हैं।
सन का साइज ज्यादा करने से क्या होगा, थोड़ा सा वो जो लाइट को अंदर भेज रहा है वो काफी फिल्टर होके आएगा, काफी रिफाइन होके लाइट आएगी। यहाँ पे रियलिस्टिक रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इनपुट भी लगा सकते हैं जिससे कलर चेंज कर सकते हैं, बाद में केल्विन टेम्परेचर के साथ भी खेल सकते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ा सा वार्म टाइप का देना है तो यहाँ पे जैसे मैं 4000 की वैल्यू डालता हूँ तो ये हमारा सीन जो है वो वार्म बन जाएगा। अगर मैं 7000 प्लस चाहता हूँ इसमें तो थोड़ा ब्लूइश या फिर वो दूसरे टेक्सचर में चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम रियलिस्टिक रहने देते हैं, जैसा सन होता है वैसा ही रहने देते हैं। तो ये तो हो गई है सन की सेटिंग। इसके बाद में सेकंड सेटिंग हम क्या करेंगे, सन के पास में ही जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है एड कोरोना स्काई इन्वायरमेंट। अगर हम यहाँ पे नंबर 8 प्रेस करते हैं तो नंबर 8 प्रेस करने पर हम देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स की सेटिंग्स आई हुई है, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी इन्वायरमेंट मैप नहीं लगा हुआ है। इन्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट मैप। इसका मतलब क्या है, कोरोना में आपने स्काई तो लगा दिया है, कोरोना सन तो आपने लगा दिया, लेकिन स्काई का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, वो सब यहाँ पे देखना जरूरी है। तो इसमें लगाने के 2 तरीके हैं, या तो हम यहीं से ही नन पे जाके क्लिक करेंगे तो कोरोना स्काई को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका इजिएस्ट वे क्या है कि जो हमने कोरोना सन को लगाया है उस कोरोना सन में ही जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड कोरोना स्काई इन्वायरमेंट। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एकदम से ही ऑटोमेटिकली वो उसी जगह पे सेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सेट हो गया। इसके सेट होने के साथ ही हमारे पास में जो हमारा रेंडर है वो अभी देखेंगे तो लाइटिंग काफ़ी रिफाइन हो गई है, लेकिन स्टिल अभी तक इसमें अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाई है। सिर्फ इतना काम हमने जो किया है इसी के अंदर में हमारा रेंडर्स काफ़ी अच्छा पहले से लगने लगा है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसका इंटरेक्टिव रेंडर को ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें पता है क्या करना है, तो हम सीलिंग में सारा लाइट्स वगैरह को लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जितना भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा 3D मॉडल बना दिया है क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम सीलिंग में लाइट लगाने वाले हैं तो पहले से ही ये ऐसा सर्कल जैसा जो हमारा सीलिंग लाइट होती है वैसा आप बना के उसमें लगा दें ताकि वो दिखे वहाँ पर। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ लाइट लाइट्स को जो हमारे पास में सीलिंग का बना हुआ है। काफी केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है, अगर हम मूव करके देखेंगे कि सब सिलेक्ट हो गया है या नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सीलिंग भी सिलेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ से जाते हैं तो ये पार्ट हो गया, हम इसमें इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इन सबको आइसोलेट करते हैं, इन सबको पकड़ के हम इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमारे पास में ये हमारी लाइट्स हो गई हैं। अभी भी हम देखेंगे तो सीलिंग साथ में इंक्लूड हुआ पड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि सीलिंग किसी के साथ में ग्रुप बना हुआ है तो हम उसको अनग्रुप कर देते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास में सारी लाइटिंग्स आ गई हैं। अभी लाइटिंग्स हमारे पास में आ गई हैं, हम वन बाय वन हम इन लाइटिंग्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक लाइट लगानी है, तो हम यहाँ से लाइट में जाएंगे, कोरोना लाइट्स, कोरोना लाइट, और यहाँ पे हम स्फेयर की जगह पे हम स्फेयर भी ले सकते हैं लेकिन मैं डिस्क लेता हूँ तो आप भी डिस्क लेना। तो हम यहाँ से सेट करेंगे, F3 कर लेते हैं ताकि वायर फ्रेम में हमको अच्छे से दिख पाए, और हमने ये यहाँ से इस लाइट को बना दिया। फिलहाल के लिए हम इंटेंसिटी को मैक्सिमम हम 25 रख देते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट फिलहाल हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, 25 रख देते हैं, डिफॉल्ट में हमारा 50 रहता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमको उसको उसके साथ में बिल्कुल चिपका के रखना है, हम थोड़ा सा उसको नीचे भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। इसमें इंटेंसिटी को हमने देख लिया है, अब लास्ट में हम जाते हैं इसमें विजिबिलिटी को। इन सब का काम क्या होता है कि विजिबिलिटी ना विजिबल डायरेक्टली, इसका मतलब है कि डायरेक्टली विजिबल होगा तो एक स्पॉट दिखेगा व्हाइट कलर का, तो हम इन सबको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, हम सभी को हटा देंगे ताकि वो कहीं पर भी ना दिखे। हम टॉप व्यू में जाते हैं, लाइट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ताकि कुछ और सेलेक्ट ना हो, और यहाँ से हम इसको शिफ्ट के साथ में इंस्टेंस कॉपी कर लेते हैं। इंस्टेंस इसलिए कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक में चेंज करूँ तो बाकी की सभी लाइट्स के अंदर में वो चेंज हो जाए।
मैंने यहाँ से ये पकड़ लिया है इस साल से, मेरे पास में दोनों लाइट होंगी तो दोनों को कॉपी करके शिफ्ट के साथ में फिर से मैं इंस्टेंस कर लूँगा और उनको वहाँ पे जाके जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे सेट कर लूँ। तो ये हमारे 4 लाइट्स हो गई हैं। अब हमारे पास में ये 2 लाइट्स बची हैं तो हम किसी भी एक को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको, मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए मैं इसमें अलग तरह की लाइट लगाना चाहता हूँ, तो हम कॉपी कर लेंगे। तो हमने इसमें अलग रख दिया, इन दोनों को लाइट्स को हम अलग तरीके की लाइट्स हम बनाएंगे। इसमें मैं इंस्टेंस कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी की 4 लाइट्स हैं जो वो सेम हैं और ये 2 लाइट्स हैं जो, ये 2 लाइट्स हमारी अलग। यहाँ पे एक लाइट बची हुई है, ये लाइट हमारे बेड के पास में थी, बेड के ऊपर थी, तो हम यहाँ से एक और कॉपी करेंगे, इसको भी हम कॉपी ही करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे। तो हमारे पास में 3 टाइप्स के लाइट हो गई हैं, 4 लाइट्स हमारी एक जैसी हैं और बाकी की ये 2 लाइट एक जैसी हैं और ये सेपरेट अलग। मैं बाद में आपको बताऊंगा इनके रीजंस क्या रखे हैं मैंने, क्यों मैंने ऐसे किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही सेट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे हम, और फ्रंट व्यू में जाने के बाद में हम थोड़ा सा इसको और नीचे कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ से जो हमने लाइट्स लिया था, क्योंकि ये लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होंगी, अगर हम बस इतना ही रखें और हम यहाँ पे आइसोलेट को हटा दें और एक बार हम रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारा क्या फ़र्क पड़ता है सीन में। तो यहाँ से मैं शिफ्ट एंड क्यू दबाता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से मैं लॉन्ग प्रेस करने के बाद में स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि हमको जो अपडेट्स हैं वो दिखें काफी फास्ट तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइट स्टार्ट हो गई है, यानी यहाँ पे काफ़ी हल्का लगा हुआ है। तो हम एक बार इंटेंसिटी को बढ़ा के देख लेते हैं कि कितना हमें चाहिए। मैं इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इंटेंसिटी को बढ़ा के 25 से 40 कर देता हूँ, ताकि हमको पता चले कि हमने लाइट्स लगाई हैं। हम यहाँ से टेम्परेचर को भी सेट कर देते हैं, हम इसमें थोड़ा सा वार्म करने के लिए इसको 4500 पे कर देते हैं। बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम ये कर लेते हैं। अभी हमारा जो लाइट्स हैं, लाइट के सोर्स हैं, वो काफ़ी कम दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, नंबर 8 को फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इस स्काई को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे। यहाँ से हमने ये किया और अभी हम फिर से रेंडर इसका निकालने लग गए। कॉन्ट्रास्ट मैंने ज़्यादा कर दिया है गलती से, वो बटन प्रेस हो गया है, तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे, जैसे ही हमने इन्वायरमेंट को ऑफ किया है तो हमको पता चल गया है कि हमारी लाइटिंग वहाँ पे लग रही है और वहाँ पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिख रहा है। इन्वायरमेंट में रोशनी ज़्यादा थी, इस वजह से हमको जो लाइट्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स के बाद में ही हमारे ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने लाइट्स लगा दी हैं। अभी हमारे यहाँ पे, क्योंकि 4 लाइट्स के अंदर मैंने हमने वार्म लाइट का यूज़ किया है, इसमें यहाँ पे हम जब इसको कर रहे हैं, मैंने इसमें किया है यहाँ पे, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे जो डिफॉल्ट में है उस डिफॉल्ट को ही रहने देता हूँ। हम इसको इंटेंसिटी को 50+ लेके जाते हैं और देखते हैं, ताकि वो वहाँ पे शो होने लग जाए। अब सेकंड थिंग, अगर आप इस रेंडर को देखेंगे, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो नोटिस में आ रही है, जो कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है बेड के साइड में। इस लैंप के साथ में हमको यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो
इसमें हमको लैंप में लाइट लगानी है, दूसरा यहाँ पे लाइट का सोर्स तो दिख रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, तीसरा एक मिरर है तो मिरर के साथ में हमारे पास में कोई भी जैसा बैक साइड में जो लाइट होता है वो लाइट नहीं दिख रहा है, तो हमको उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मिरर को फिक्स करते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, मिरर को सेलेक्ट करेंगे और हम टॉप में जाते हैं, मिरर के साथ में जाते हैं, मिरर के बैक साइड में जो हमने मॉडलिंग लगाया है उस दोनों पार्ट को हम सेलेक्ट करके आइसोलेट करते हैं। अभी हमारे पास में है तो जो ये मिरर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइट बन जाए, तो मैं इसके बैक फेस पे जब हम रहते हैं तो उस टाइम पे हमारा स्प्लाइन काम नहीं करता है या फिर कोई भी मॉडलिंग। तो हम यहाँ से जाते हैं, आर्क ले लेते हैं, आर्क लेने के बाद में 3 पॉइंट और यहाँ से हम कोई भी पॉइंट का हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास में एक आर्क बन जाएगा। उस आर्क को हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएंगे, ये हो गया। ऐसे आर्क में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन करते हैं ताकि हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकें। इसका रेंडरिंग को ऑन करते हैं, रेंडरिंग ऑन करने के बाद में हम इसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं, 25 mm के आसपास में, 20 to 25 mm के बिटवीन। अभी हम उसको इसके साथ में सेट करते हैं, थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये यहाँ पे सेट हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ में, तो क्योंकि हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया था तो हम इसके कुछ पॉइंट को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ में कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करना है ताकि वो उसका थोड़ा बहुत वहाँ पे हमको फर्क दिखे। मैं इसमें प्रेस करूँगा, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल पॉलिश में जाकर एडिट प्री कर देते हैं ताकि वो एकदम स्मूथ हो जाए। बीच में ये वाले फेसेस हैं, अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन करने के बाद में कर देते हैं हम, और इन दो फेसेस को हम यहाँ से फ्रंट के में जाकर जो दो फेसेस हमको लग रहे हैं कि सही नहीं है उनको हम यहाँ से डिलीट वाला कर, ताकि वो सामने से वो ना दिखे। अच्छा, अगर हम चाहें तो इनको कवर भी कर सकते हैं जो कि हमारा इससे हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी, लेकिन स्टिल हम उसको कर देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे इसमें लाइट मटेरियल्स करेंगे, कोरोना लेगेसी, कोरोना लाइट मटेरियल्स, बस यही इतना ही करना है हमको। मटेरियल्स में हम 5 की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वार्म करने की कोशिश करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, वैसे ना यहाँ पे देखेंगे तो हल्का हल्का सा हमारे पास में नीचे लाइट्स भी आ गई है। अब हम इसको सीधा इस पर पेस्ट कर देते हैं, 5 से इसको मैं 3 पे रख देता हूँ, इनफ है, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास में मिरर फिक्स हो गया है, हम इसको सबको आइसोलेट से हटाते हैं और एक बार देखते हैं कि अब फिलहाल अब हमारे पास में क्या रेंडर में आ रहा है। हम स्टार्टिंग इंटरेक्टिव रेंडर अगेन, तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो हमारा मिरर के पास में लाइट आ गई है जो कि काफी कूल लग रही है। ओके, सो सेकंड थिंग, हम यहाँ पे अपने लैंप के अंदर में जाते हैं, टॉप व्यू F3, और मैं यहाँ से जाऊँगा, लाइटिंग मैंने पकड़ा हुआ है, लाइटिंग्स के साथ में मैंने यहाँ पे कोरोना को पकड़ूंगा, कोरोना लाइट, कोरोना लाइट में यहाँ पे हम स्फेयर को यूज करेंगे और एक छोटा सा हम यहाँ पे स्फेयर यूज करने के बाद में एक हमने यहाँ पर लाइट बना ली, ये लाइट है, फ्रंट पे हम जाएंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से हमारे पास में ये हो जाएगा। हम इसको कहीं पे भी सेंटर के आसपास में हम इसमें रखते हैं,
इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इतना हमको नहीं चाहिए, हम यहाँ पे 20 डाल देते हैं बस, इसको वार्म कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कि वहाँ पे लाइट लगी हुई है। मोस्टली ये वार्म कलर में ही रहते हैं। मैं इसको 4000 रखता हूँ। एक लाइट हो रहा है हमारे पास में, हम इसी लाइट से दूसरी लाइट ही बना लेते हैं हम यहाँ पर जाएंगे, जो कि हमारे पास में टेबल पे एक टेबल लैंप लगा हुआ है, जो कि मैं आपको उस टाइम पे दिखाया था कि बना हुआ है। मैं इसको इंस्टेंस नहीं करूंगा, सिर्फ कॉपी रखूंगा जो पहले भी था शायद। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। फ्रंट व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाने के बाद में मैं थोड़ा सा इसको इधर की जगह पे मैं सेट करता हूँ, और इसमें स्फेयर की जगह पे हम डिस्क ले लेते हैं, स्फेयर भी रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसका IES लाइटिंग में चेंज कर देते हैं। कोरोना में एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे इससे ऑल अप्रोक्स से 8-9 लाइट्स हैं जो पहले से ही रहती हैं। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हो गया, मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे सब कुछ अनचेक कर दिया मैंने। अभी मैं इसको चेक करता हूँ रेंडर में ये क्या आता है। अभी हम देखेंगे जूम करके, तो हमारे पास में यहाँ पे ना लाइट्स आ गया है, थोड़ा सा टेबल पे लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे लैंप के अंदर में भी है। अगर हम देख पा रहे हैं तो लैंप के अंदर में जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हमें यहाँ से हम लाइट सेलेक्ट करेंगे। हमें क्या है, इलेक्ट्रिशियन साथ में हम चेक कर सकते हैं। मैं इसमें 20 से मैं 50 कर देता, 60 कर, 60 करने के बाद में जैसे हमने किया है, मैं यहाँ से इन सभी को ऑन भी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइट है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे हमारे दोनों के पास में हमारे पास में लाइट आ गई, अभी हम देख पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब जो भी हमारी सीलिंग के अंदर में लाइट्स थी वो नॉर्मल लाइट हमने लगाई है, उन नॉर्मल लाइट्स के अंदर में अब हम IES लाइटिंग का यूज़ करेंगे ताकि वो थोड़ा सा और बेटर लगे। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ हमको सोर्स का पता नहीं चल रहा है, और ना ही हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लाइट का जो इम्पेक्ट वॉल के ऊपर पड़ना चाहिए वो हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से नन पे जाऊँगा, नन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से IES लाइटिंग में मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं वन बाय वन हम चेक भी कर सकते हैं सभी को। हम यहाँ से सॉफ्ट स्पॉटलाइट को देख लेते हैं, हाउ दिस विल वर्क। अगर आप देखोगे तो पहले से काफी बेटर लग रहा है, हम इसमें किसी और को चूज कर सकते हैं। फोकस यूनिफॉर्म को ही देख लेते हैं, या फिर डाउन लाइट इंटेंस प्योर वाइट, प्योर वाइट कुछ। ये लाइट भी है, मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसमें नॉर्मली हम रखते हैं, यूनिफॉर्म में ही चले जाते हैं। मेरा बेस्ट ना सेफेस्ट ऑप्शन यही रहता है फोकस यूनिफॉर्म के साथ में, तो मैं इसी पे ही क्लिक कर रहा हूँ। इट्स गुड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से। जब आप अपना रेंडर देखेंगे, रेंडर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर पता चलेगा। दूसरा लाइट है हमारे पास में जो सेंटर में, वो अलग लाइट थी, तो उसमें भी हम जाएंगे और हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। उसमें हमने यूनिफॉर्म लिया है, तो हम इनमें से किसी भी इंटेंस प्योर वाइट को रख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट के जैसे, क्योंकि वो स्पॉटलाइट ही थी तो स्पॉटलाइट ही हम यहाँ पे चूज कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा उससे अलग लगेगा, थोड़ा सा ब्राइट भी लगेगा उससे। सही है, तो हमारे पास में ये लाइट्स आ गई हैं। इसके बाद में ये दो लाइट्स भी हैं, तो इन दो लाइट्स में भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कोई और नैरो ब्राइट, नैरो सेंटर ये रख देते हैं।
सोफा तो ये हमारे पास में लाइट के साथ में हमारा कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। अभी मुझे इसमें क्या लग रहा है कि इस वाले एरिया में हमारा लाइट थोड़ा कम है, हमको थोड़ा सा इधर वाले एरियाज में भी लाइट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लाइट्स को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, टॉप व्यू में जाते हैं। अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो जहाँ पे हमने यूज किया था वहीं पे ही लाइट है हमारी, इधर के साइड पे हमारा कोई भी लाइट नहीं है और ना ही बेड के पास में हमारा कोई सोर्स हमारा ज़्यादा जा रहा है, इतना ज़्यादा अच्छे से चमक रहा है। तो मैं चाहूँगा कि दो तीन लाइट्स हम ऐड भी कर दें। तो हम यहाँ से दोनों लाइट्स को पकड़ रहे हैं और शिफ्ट के साथ में मैं पर इतना कर देता हूँ, इंस्टेंस ये कर देता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि हमारा इस वाले पार्ट पे भी लाइट रहेगी और एक लाइट मैं यहाँ से घुमा के इस बुक सेल्फ के पास में रख देता हूँ जहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टोरेज बना हुआ है। हम थोड़ा सा हम इसका एंगल भी कम कर देते हैं और उसे तिरछा कर देते हैं। और अभी देखते हैं कि हमारे सीन के अंदर में क्या फर्क आता है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लाइट आ रही है, थोड़ा सा सोर्स में यहाँ पे दिख रहा है और इधर की साइड से भी हमें दिख रहा है। तो लेट्स गो एंड इस वक्त हम जो हमने इन्वायरमेंट को ऑफ किया हुआ था हम उस इन्वायरमेंट को फिर से स्टार्ट करके देखते हैं कि अभी हमारा इस पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये सबसे पहले ये वाला रेंडर देखिए, ये हमारा है। तो इसके बाद में हम नंबर 8 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे बस एक ही कमी लग रही है इस रेंडर में जो फिलहाल के लिए है, वो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्न आउट हो रहा है जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो मैं इस बर्न आउट को थोड़ा सा कम करूँगा। अब कम करने के लिए या तो हमको वहाँ से स्काई से हम कर सकते हैं और या फिर हमारे पास में यहाँ पे एक सेफेस्ट ऑप्शन है ये हाईलाइट कंप्रेसर का, ये थोड़ा सा सही रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ये डिलीट हुआ पड़ा है यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, तो यहाँ से प्लस में जाएंगे और नीचे यहाँ पे रेन हार्ड हाईलाइट कंप्रेशन। हाईलाइट कंप्रेशन का मतलब क्या है कि इसमें अगर कहीं पे बर्न कर रहा है कुछ ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको थोड़ा सा ये हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 से लेके 500 तक सेट कर सकते हैं, मैं 50 60 कुछ भी कर देता हूँ तो ताकि वो रहे। अगर आप दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई लाइट का सोर्स है, लेकिन अगर हम इसको 0 करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बर्न कर रहा है। तो हम यहाँ से 500 करके देख लेते हैं, मैक्सिमम चेंज नहीं रहेगा लेकिन स्टिल मैं मैक्सिमम या कम ज़्यादा उसी के बेसिस पे करता हूँ। तो मैं 50 रख लेता हूँ, 3 भी रखेंगे तब भी फर्क आएगा, तो हम 50 रख लेते हैं। इसके बाद में अगर हम इस रेंडर को देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ वाइट टाइप का दिख रहा है, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट केवल यहाँ पे काफ़ी कम है, 1 है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप चेंजेस सामने देखना कि क्या क्या रहते हैं। 2 पहिया है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, 5 पे, 6 पे। तो 6 पे थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस हमारे इस वाले एरिया में आ रहा है तो हम इसको 5 पे ही रखते हैं। इवन 4 इज ऑल्सो बेटर, सो हम 4 पे रख देते हैं। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन में सारी हमने लाइट्स को हमने लगा दिया है। तो अभी हम इसका एक रेंडर करके देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने मोस्टली ज़्यादा चीज़ें छेड़ी नहीं है इसमें, मोस्टली काफ़ी बेसिक रखा है, काफ़ी बेसिक सीलिंग लाइट्स को ही लगाया है। और आप रेंडर क्वालिटी देख रहे हैं इसका, हम ऐसा करते हैं इसको स्टॉप करते हैं इंटरेक्टिव रेंडर को। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमने अलग अलग लाइट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं, कुछ इंस्टेंस लाइट हैं और कुछ स्पॉट लाइट हैं, कुछ यहाँ पे पिक्चर लाइट है हमारे यहाँ पे। अब इन सभी को अगर हमको बाद में रेंडर होने के बाद में कुछ चेंज करना पड़ जाए, अगर मान लेते हैं मेरे को सिर्फ ये वाली लाइट है इसी को ही चेंज करना हो, तो मैं चेंज नहीं कर सकता।
अगर मैं यहाँ पे रेंडर निकाल देता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, जैसा कि वीरे में वीरे लाइट मिक्स हुआ ऑप्शन था, ऐसे ही सेम इसमें भी लाइट मिक्स का ऑप्शन आता है, तो हम उसको ऑन कर देंगे। तो हम सबसे पहले F10 को प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करने पर हमारा रेंडर सेटअप आ जाएगा, जहाँ पे हमारी रेंडर्स की सारी सेटिंग्स रहती हैं। I don't know why it's taking so much time. यहाँ चले जाते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, सीन पे जाएंगे और सेटअप लाइट मिक्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटअप लाइट मिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा जो भी हमारी अलग अलग लाइट्स हुई थी उन सभी को। और मैं यहाँ पे इसमें तीन चार ऑप्शंस हैं, इंस्टेंस लाइट, ग्रुप लाइट, इंडिविजुअल लाइट। अगर मैं इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंस पे जितनी भी लाइट इंस्टेंस में थी उन सब का एक अलग फाइल होगा और बाकी की लाइट्स का एक अलग फाइल होगा। तो हम यहाँ से जनरेट कर ऑप्शन करते हैं। अगर अभी हम यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स में जाकर देखते हैं, इसको हटाते हैं, रेंडर एलिमेंट में कोई भी रेंडर एलिमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सीन पे अपने जाएंगे, सेटअप लाइट मिक्स पे क्लिक करेंगे, जनरेट पे इंस्टेंस पे जनरेट करेंगे, तो यहीं ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारा लाइट्स को वो ऐड कर देगा जो भी हमारी लाइट सीन के अंदर में थी। अभी हमें इसमें फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करने हैं और यहीं से ही हम रेंडर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रेंडर पे क्लिक किया तो अब देखना क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रेंडर पे, तो अभी मैंने रेंडर पे लगा दिया इसको। मैं फिर से एक बार रेंडर पे लगाने की कोशिश करता हूँ इसको। और यहाँ से हम तो चलिए, अभी मैंने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको रेंडर पे क्लिक करूँगा। रेंडर पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस आए। तो अभी अगर हम देखेंगे रेंडर पहले जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है लाइट मिक्स। लाइट मिक्स के अंदर में ये सारे ऑप्शंस अलग से आ गए हैं। अब इन ऑप्शंस का क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर में। थोड़ा सा इसको हम रेंडर हो जाने देते हैं। यहाँ पे हमारे फ्रेम्स हैं, वीरे में जैसे रेंडर होता है यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से होता है। यहाँ पे रेंडर पास हैं तो हम इसमें मैक्सिमम 7-8 पासेस पे जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देता हूँ। तो अभी ये रेंडर हो रहा है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। जैसे ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको लाइट मिक्स का यूजेस बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे अभी रेंडर पास 2 है, हम इसको होने देते हैं कुछ टाइम तक और लेट्स सी ये रेंडर कैसा निकलता है। फिलहाल मैंने आपके सामने सारी सेटिंग्स का कर दिया है और हम अभी सिर्फ रेंडर का वेट कर रहे हैं।
ऑलराइट, सो ये रेंडर हो गया है। हमने सिर्फ 10 पासेस पे रेंडर निकालना है। अगर आपको फाइनल रेंडर निकालना है तो कम से कम 30 या 40 पासेस तो आप कम से कम रखना, लेकिन जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 पासेस को ही निकाला है। तो अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास में काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी बेहतर रेंडर हो चुका है, लेकिन अगर स्टिल आपको कहीं पे कोई लाइटिंग को इंक्रीज करना है, किसी लाइटिंग का कलर चेंज करना है, तो वो सब कुछ आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसकी लाइटिंग थोड़ा सा अभी और भी कम है, तो यहाँ पे सिंपल एक्सपोजर के नाम पे एक बटन है और फर्स्ट में यहाँ पे हमने 0 0 किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को बढ़ा के 0 से आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 नंबर प्रेस करता हूँ, देखते हैं कितनी लाइट बढ़ती है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवर ब्राइट हो गया है हमारा सीन, तो इतना मुझको नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0.3 के आसपास में इसको लेता हूँ। 0.3 भी इनफ है, बाकी अभी जैसा हमारा है वैसा भी ठीक है। फिर भी मैं इसमें 0.3 या 0.4 हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो इट्स इट लुकिंग बेटर। सो यहाँ पे हम, ये तो फर्स्ट सेटिंग है जो सिंपल एक्सपोजर है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी वैल्यू इसको बढ़ाएंगे तो कॉर्नर में हम इसको ब्लैक कर सकते हैं। इसका मतलब आपको पता ही है, विग्नेट का मतलब क्या होता है। 1 2 की वैल्यू इसमें जो डालेंगे तो कॉर्नर से उसको उसी तरह से करता जाएगा। अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो ये ऐसे ही रहता है, इसको हमें छेड़ना नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट बैलेंस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा वार्म कलर में लेना है तो इसकी आप वैल्यूज को साथ में छेड़ सकते हो। जैसे मैं अगर इसमें माइनस में जाता हूँ तो एक कोल्ड लाइटिंग के साथ में दिखेगा। अगर हम इसको हम 6500 से 7000 कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही वार्म कलर में चला जाएगा। हम फिलहाल इसको बेसिक रखते हैं 6500 पे ही, कॉन्ट्रास्ट इनमें से कुछ नहीं छेड़ना। अब मेन सेटिंग जिसके लिए मैं अभी तक मैंने वेट किया था वो है लाइट मिक्स। लाइट मिक्स का फायदा क्या हुआ, इसने सभी लाइट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला इन्वायरमेंट पे जाएंगे, जैसे हमने इन्वायरमेंट की लाइट को यहाँ पे ऑफ करते हैं, इस पर चेक मार्क ऑन चेक करते हैं, तो ये देखिए अभी क्या हुआ है कि जो भी लाइटिंग हमने इंटीरियर में यूज की थी सिर्फ वही लाइटिंग यहाँ पे दिख रही है। रात के टाइम पे या कैसे भी हमारे पास मुझे सभी रहेगा तो उस टाइम पे इस तरह का एक घर का एम्बियंस बनेगा। अगर हम इस इन्वायरमेंट को यहाँ से करते हैं वापस, तो फिर से इन्वायरमेंट से जो लाइट आनी है वो लाइट आ जाएगी। इसके बाद में नीचे लाइट लगी हुई है, इन सभी को आप देख सकते हैं और किसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, तो वो सब चीज़ें कि हम यहाँ पे इंटेंसिटी को छेड़ सकते हैं। आर्क मतलब वही है जो हमने आर्क बनाया था उसकी इंटेंसिटी का है। अगर मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को 2 से 3 कर देता हूँ तो आप देखेंगे वो इंस्टेंट ही उसने वहाँ पे उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है। मैं 5 करता हूँ तो और ज़्यादा वहाँ से ब्राइट हो गया। तो आप पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो आप फोटोशॉप में करते थे वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो कोरोना का ये फीचर जो कि वीरे के अंदर भी है, लेकिन आई थिंक दिस इज बेटर। सो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका कलर कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको अगर पूरा वाइट रखना है, प्योर वाइट, तो प्योर वाइट हो सकता है। आप चाहिए थोड़ा सा रेडिश कलर रखना है, पिंक इस कलर में चाहिए, तो आप उसको भी यहाँ पे सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। सेम ही कलर किसी और पे चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है यहाँ से, तो उसी लाइट को उसी में जाके इस्तेमाल वो हो पाएगा। यहाँ से कॉर्नर लाइट हम देखें तो ये जो हमने कॉर्नर पे लाइट लगाई थी ये उसका फीचर। यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए 3 करता हूँ, देखेंगे आप इस वाले एरिया के अंदर में हमारा लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। तो जहाँ पे भी हमको कुछ भी कमी लगता है उस एरिया में हम उस जगह की लाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं बाद में। ये सेंटर का है, सेंटर का लाइट अगर हमको लगता है कि लाइट थोड़ा कम है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा हमें इसका अगर कलर चेंज करना है, इंटेंसिटी वैल्यू, यहाँ से हम टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 4500 के आसपास में रहे या 3000, ताकि वो हल्का सा वार्मनेस का भी फील वहाँ पे। इसके बाद में अगली वाली लाइट्स हैं, ये हमारा लैम्प है। जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था कि इंटेंसिटी आप नॉर्मल रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा तो वो बाद में भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से जितना करूँगा तो वहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से ही उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। सेम ही तरीके से हमने यहाँ पे एक और लाइट ली थी जो इस वाले एरिया में है, टेबल लैम्प का, इसको भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस जगह पे मेरे को अगर थोड़ा सा अलग फील चाहिए तो मैं बिल्कुल रेड कलर में या बिल्कुल ही येलोइश कलर में मेरे को कुछ चाहिए तो मैं वो भी वहाँ पे दिखा सकता हूँ। मेरे को ब्लू टोन में कुछ चाहिए,
हूँ यहाँ से हम एक ब्लू कलर में भी या किसी और भी कलर में हमें आपसे दिखा सकते हैं। देखा, सिर्फ शो करने के लिए मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ ताकि आपको वहाँ पे वो कलर भी दिखे। इसके बाद में और भी कहीं पे कुछ चेंज करना है तो वो सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा इन लाइट्स के थ्रू ही। रेस्ट के अंदर में क्या आता है कि जितने भी हमने वीरे मटेरियल्स का लाइट वीरे लाइट मटेरियल्स डाला था वो सभी यहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो हमारा सही तरीके से चमकने लग जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले ये वाली जो लाइट्स थी वो दिख नहीं रही थी। इसका रीजन क्या था कि क्योंकि इन्वायरमेंट की लाइट्स आ रही हैं और इंटीरियर में लाइट लगाई हैं, उन सब की वजह से जो लाइट मटेरियल की इंटेंसिटी हमने डाली थी वो काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे हम उसकी इंटेंसिटी को जैसे बढ़ाते हैं तो वो लाइट्स अपने आप ही चमकने लग जाएंगे। 5 नंबर जैसे मैंने किया, मैं इसमें 10 करता हूँ तो वो 10 भी दिखेगा। हम इसको 5 या 10 जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज करना चाहें इसको, थोड़ा सा वार्म कलर में दिखाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स बेटर, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है हमारा डिज़ाइन। यहाँ पे हम जाएंगे फिर से पहले वाली टैब में ही। यहाँ से हमको थोड़ा सा कुछ भी चीज़ें और चेंज करनी है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा और बढ़ाना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे शार्पनिंग का एक ऑप्शन है, इस शार्पनिंग पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये शार्पन होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें और तब इसकी वैल्यूज को देखें तब आपको ये फील हो जाएगा। थोड़ा आपको अगर कम लग रहा है तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं। कहने का मतलब बस यही है कि हमने उन सबको डबल कर दिया। और यहाँ से हमारे पास में जो डिनोइजिंग का था, इस डिनोइजिंग की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो हम यहाँ से इसको अगर पूरा 1 कर देते हैं तो 1 पे हमारा ये बिल्कुल ही उसने सारा का सारा जिसमें भी ग्रेन्स थे वो सब के सभी खत्म कर दिए हैं। दैट्स इट। अगर अभी आप देखेंगे दिस इज़ आर फाइनल रेंडर। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोशॉप में जाके भी चेंजेस कर सकते हो, वरना आई थिंक दैट्स इनफ। एंड क्लाइंट को अगर आप ये रेंडर दिखाते हैं तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे, उनको काफ़ी रियलिस्टिक लुक लगेगा। अगर स्टिल आपको कोई भी चीज़ें चेंज करनी हो, आपके पास में ऑप्शंस हैं, वो आप कर सकते हो। सो दिस इज़ आ फाइनल रेंडर, आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मटेरियल्स को सेट करना सिखाऊंगा, जैसे कि इसमें जो भी मटेरियल्स लगे हुए हैं या फिर किसी और मॉडल के किसी और मटेरियल्स के बारे में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरह से आप नए मटेरियल्स को बना सकते हो, कैसे लाइट मटेरियल्स बना सकते हो, किस तरह से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन काम करता है और किस तरह से एक हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स आप अपने मॉडल के अंदर में डाल सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई इमेज है और वो इमेज को आप डालते हैं और उसको जब आप जूम करते हैं या उस पर यूवी डेवलप में आप डालते हो तो वो इमेज फट जाती है या फिर टाइल्स बन जाती हैं उसके, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सीमलेस इमेज को बनाया जाए, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिसमें मैं आपको टेक्सचर से रिगार्डिंग मटेरियल से रिगार्डिंग सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्लास। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। इसके बाद में अगर आपको मटेरियल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मेरी सेकेंड वीडियो को जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।